यो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपका अपना पता नहीं कौन। तो यार गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स गो। دغاله کنو مان ناغل له پوش وی دا مخامخ مهتاب ناشته رضوان مرا ور رسید او دا پی کې ننګیال سویل للی لال خان ټول مونږ ناشیو رسیدل یو راځي तो आज ऑलमोस्ट हमारे कजन आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो तीन गाड़ियाँ हमने अरेंज कर दी है कजन की है, ये सारे खड़े हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम इधर से निकलने वाले हैं, चलेंगे इधर पास ही हमारी एक जगह है, उधर चलेंगे और अपने लिए कुछ पकाएंगे भी, आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आपको। हम तीन तीन गाड़ियां जाने वाले हैं, दो गाड़ियां निकल गई, एक ये विड दोबारा आ गई, एक विड निकल गई और एक ये वाली गाड़ी है जिसमें हम जाएंगे। गाड़ी पे हम बैठ गए हैं, चार लोग हैं मेहताब है और ये इन दो को तो आप नहीं जानते, पहली दफा मिल रहे हो। नुमान खान और जो हमारा ड्राइवर है सजीदुल्ला, ये भी हमारे कजन है। दो गाड़ियां निकल गई है, ये हमारी आखिरी गाड़ी है, तीन गाड़ियां हम जाने वाले हैं। तो बस इंशाल्लाह चलते हैं फिर। इधर अब हम पहुंच गए हैं बर्दुशिला, इधर से सामान उठाते हैं, गोश्त वगैरह ही उठाना है इधर से, वो उठाते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये तकरीबन एक किलोमीटर दूर है पूरा बाजार हमारे घर से, अभी सारे कजन हमारे इधर खड़े हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, ये हमारा सबसे सबसे एल्डर वतन खान हम इसको कहते हैं, सलीम नाम है इनका, वो अब्बास है आप जानते हो ऑलरेडी, ये रिजवान हो और सजीद लाइज। अभी इधर वेट किया जा रहा है उसका, क्या है उन लोगों का, कुछ लोग गए हैं सामान के लिए, फ्रूट वगैरह लाने के लिए, तो उनका वेट कर रहे हैं, इधर खड़े हैं सारे। अभी जगह तो हमने पहले डिसाइड कर ली थी, लेकिन अभी दो तीन और स्पॉट्स रिकमेंड हो गए हैं कि इधर शायद चला जाए, तो उनमें अभी एक डिसाइड करते हैं। पीछे सारे हमारे अपने गाड़ियां खड़ी है, नाइट नज़र नहीं आ रही, तो उनसे मशवरा करते हैं फिर आपको बताते हैं किधर जाना है। फिलहाल अभी कुछ डिसाइड नहीं। हमने डिसाइड किया है बागडेरे, एक जगह का नाम है स्वाद की, मशहूर जगह का नाम है वो। अभी हम फाइनली इधर पहुंच गए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, ये हम चल रहे हैं और अभी स्पॉट डिसाइड करते हैं किधर कुकिंग करनी है, क्या करना है, जगह डिसाइड करनी है। तो ये जगह है वियर वी आर स्टेइंग, नॉट स्टेइंग, डूइंग और पार्टी शॉटी। ये पुल काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ड्रामे इधर पश्तू के शूट हो गए हैं बागडेरे पुल, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्पॉट है ड्रामों के लिए, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत सारे शूट हुए हैं, पश्तों की भी उर्दू की भी। ये माशाल्लाह हमारी पूरी गैंग है जो चल रही है अभी, ये वाले पकाना हमने रोज है, कुक हमारा है अब्बास पाचा हो रहा है, ये आज का हमारा कुक है, तो मुझे कहा है कि सब्जियां वगैरह ले आओ ताकि धो ले, तो अभी ये धोने के लिए उधर ले जा रहे हैं। इधर से अभी इस बात में जो जगह बर्फ़ पड़ती है वो काफ़ी नज़दीक है, तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर हम पहुंच सकते थे, लेकिन एज वी आर लेट हम पहुंच गए हैं 1 बजे को, तो वी वॉन्ट मेक इट टू गबिन जबा ऑन टाइम, दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू बस बागडेरे में स्टे कर लेते हैं। ये दूसरा हमारा कज़न है, बहुत सालों बाद मुझे मिला है, अब माज नाम है इसका, और ये आज का हमारा कुक। अच्छा,
ये पेड़ जो आपको पुल नजर आ रहे है ये बागडेरे का, ये पहले इस तरह नहीं था, पहले एक छोटा सा पुल था, ब्लॉक उसका उधर अभी पड़ा हुआ है, जो 2010 में फ्लड में सैलाब आया था जो, तो तब के टाइम ये पुल पूरा गिर गया था, इधर से और उधर का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर ये आर्मी ने रिकवर कर लिया 2012 में, तो ये भी नया पुल बन गया है, वरना पुराना बहुत खूबसूरत था और बहुत क्लासिक था वो वाला, ये एक ब्लॉक उसका भी पड़ा हुआ है इधर। हमारे कज़न में सबसे ज़्यादा टाइम कारी साहब ने हमारे साथ गुजारा है, 2-3 साल ये हमारे घर रहा है, 2-3-4 साल बल्कि 2014 से 2018 तक। कारी साहब किधर गायब हो, आजकल नहीं दिखाई दे रहा? आजकल मदरसे में। अच्छा, मदरसे में हमारा बिल्कुल वो नहीं कर रहे ना आप, क्या सब भूल गए हो? संगे माजा, ये भी हमारा कज़न, ये भी 4-5 साल बाद हमें मिला है, तो ये दो गुमनाम लोग थे, गुमशुदा। सामने बर्फ बिल्कुल नज़दीक पड़ी हुई है और ये पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, फुट्स में होगी ये तो, कम नहीं है। रोश पकाने का तरीका ये है कि पहले गोश्त रखते हैं, फिर वो जो उसका फैट होता है वो, फिर उसके ऊपर प्याज वगैरह डालकर उससे बंद करते हैं, सर रखते हैं, जमजम सर रखते हैं उस पर और बूंदा हुआ आटा उसके इर्द गिर्द वो करते ताकि मुकम्मल बंद रहे। तो ये तरीका है, अभी हमने ये गैस पर रखा है, ये ख़ुद से ही पकेगा अभी, तो घंटा बाद हम इसको खोलेंगे, इंशाल्लाह पक चुका होगा। पता नहीं ये बाल क्यों मेरा सर के ऊपर आ गए। रोटियों का हमने किया कि थोड़ी देर बाद उठा ले, बिकॉज वो ठंडी पड़ जाती है, अगर हम पहले उठा लेते तो अभी जिस तरह ही रोटियाँ उठाएंगे, रोश भी हमारा तैयार हो चुका होगा, तो सीधा चलेंगे और कबाब, और उसके लिए नुमान और फयाज चले गए साथ में फतेहपुर। फतेहपुर एक जगह है वो काफ़ी मशहूर है कबाब के लिए, तो उधर से कबाब लाएंगे, वो भी गर्म, पहले नहीं उठाए हमने इसलिए चूँकि वो भी गर्म पड़ जाते, ठंडे पड़ जाते फिर, तो अभी हमें और हमारा जो मेरा कज़न है सबसे एल्डर हमें, वो आए हैं इधर रोटियाँ उठाने के लिए। रोटियाँ हमने उठा ली है, अभी इधर से बोतल शोतल उठाते हैं, कोक और स्प्राइट, क्योंकि यही मैक्सिमम पिए जाते हैं। अभी बिस्मिल्लाह करते हुए खोलते हैं क्या बना है हमारे कुकिंग का, जपाचा बिस्मिल्लाह का, और अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, पाचा होना सर का ओ, परिमान हद कर ले रे पाचौन से पकड़ के तुमने नहीं सवार ऐसा चिक कम हमारी कुकिंग तो हो चुकी है, बस कुछ ही देर में खाना भी तैयार हो गया, क्रेडिट सारा पाचक हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पकाया था, हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका, तो अभी बस सारे आकर उसके साथ देख के सामने बैठ गए, जिस तरह पता चला कि पक चुका है तो बस सारे आ गए हैं, तो अभी अपने दो साथियों का इंतजार हो जो कबाब लेने गए थे फतेहपुर। भूख बहुत ज़्यादा लगने के साइड इफेक्ट। ईमान दी तक कर लगा पर देख खैरात ले चला गए और उठो।
खाना हमने खा लिया है, बस प्रोग्राम ख़त्म। अभी थोड़ा फ़ोटो शूट करते ही इधर फिर चलेंगे सीधा अपने घर। ये जगह है बागडेरी, हमारे गांव से मटा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर। उबर आप आ जाए तो इधर आप पहुंच सकते हैं। इधर से आप फिर इस साइड पर अगर जाना है कलाम, और ये रोड भी कलाम जाता है, ये लिंक करता है ये पुल जो मेरे पीछे है हमारे साइड को और ख्वाजाखेला के साइड को। बस यही है, अभी गुड बाइज चल रहे हैं, चलने का टाइम हो गया है, ग्रुप्स बन गए। रिजवान आपको मजा आया कि नहीं? डेर खोलोगे मजे उकला जबरदस्त। तो बस यही, डेर डेर शुक्रिया दागा पर दागा से रमूंगा रागों शु आओ जा आपको प्रोग्राम सर तो जबरदस्त। गाड़ियों की तरफ भी चला जा रहा है, बस गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं अपने घर। मैंने ये उठाया हुआ था, मैं समझा स्प्राइट है इसमें, उसमें पानी पड़ा हुआ था गाड़ी के लिए, ऐसी तका दी अपने आपको। और दिन गाड़ी में बैठ गए, इस दफ़ा हमारा ड्राइवर है नोमान खान द ग्रेट, द वन एंड ओनली। अभी एक गाड़ी दो गाड़ी हमारे निकल चुके हैं, दो ये है तो हम बाद में चल रहे हैं अभी। तो बस फयाज वाली गाड़ी और हमारी, वी आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड, ये वाली गाड़ी है। हम थोड़ा ऊपर आ गए अपने जो बागडेरी था उधर से कालाकोट, और कालाकोट से ये रोड सीधा जाता है मलम से, क्या है गबिन जब्बा जो अभी न्यू स्पॉट बना हुआ है स्वात का टूरिस्ट के लिए, तो ये रोड जाता है उधर। इधर से आगे जाकर खूबसूरत जंगलात और वो फिर शुरू हो जाते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये पता नहीं क्या माजरा बन गया, इधर हम जंगल है इधर उधर भी आ गए, बहुत ऊपर आ गए, गबिन जब्बा के तकरीबन नजदीक आ गए। पता नहीं चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे भी आवाज़ ने पीछे से आवाज़ लगाई पाचा ने कि ऊपर चाय का होटल है, असल में इसके दोस्त आए हुए तो उनका उन तक अपने आप को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो बस यही है, बाकी जंगल काफ़ी खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। But now you're out of time, out of time, you're out of time. Oh, you know. इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हम गबिन जब्बा के बहुत करीब ले दिया, हमारे ड्राइवर को बहुत टेंशन में डाल दिया। अभी इधर अनइंटेंशनली या प्री प्लान नहीं था, होटल पर रुके चाय पीते, बिकॉज सुबह से नहीं पी, सर पर बहुत ज़्यादा दर्द है, ये मास की ख्वाहिश थी। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है, ये हमारे आज के कुकते पाचा, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छी कुकिंग की थी। नहीं सच में बहुत ज़बरदस्त कुकिंग की थी आवाज़ ने, और बस चाय पी ली है, ज़बरदस्त अच्छी चाय थी, मज़े मजोक लगा ना, हाँ डेरा मजे उगल अच्छी। तो चाय चाय पर तो हम चलते हैं, फ्यूल है हमारे लिए। अब्बास को भी इधर हमने ड्रॉप कर लिया है उसे कालाकोट से, उसके वो दोस्त आ रहे हैं तो उनके साथ ही जाएगा अपने घर, और बस हम भी चल रहे हैं वहाँ पे अपने घर। हम तीन लोग बच गए, मेहताब में और नोमान, और बस सारे इधर उधर चले गए अपने अपने घर। It's hard.